आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिलासपुर ब्रांच के निवेशकों का एक प्रतिनिधि मंडल हिमाचल प्रदेश वेलफेयर बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य दिनेश कुमार की अगुवाई में उपायुक्त बिलासपुर से मिला तथा उनके कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय कोऑपरेटर एवं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मांग की गई कि हिमाचल में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तकरीबन 20 ब्रांचें काम कर रही थी तथा जिला बिलासपुर की ब्रांच में करीब 10,000 लोगों का करोड़ों रुपए का निवेश एडवाइजरों के माध्यम से करवा रखा था, जो कि पूरे भारत में संस्था की 809 ब्रांचें चल रही थी। संस्था में लगभग 21 लाख निवेशक एवं 4 लाख एडवाइजर के साथ 5,000 कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे थे। वो करोड़ों घर इस महामारी कोरोना नामक महामारी के लगने से बहुत परेशान हैं। संस्था दिसंबर 2018 तक सुचारू रूप से कार्य कर रही थी। पिछले 20 वर्षों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि संस्था द्वारा पूर्ण अवधि दावों का भुगतान समय पर न किया गया हो। संस्था में लिखित डेटर हटाकर प्रशासक या नवीन बोर्ड की नियुक्ति कर निवेशकों का भुगतान करवाने की गुहार लगाई। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवाइजर व कर्मचारियों ने संस्था को पूर्ण रूप से चालू कर निवेशकों की राशि का जल्द से जल्द भुगतान करवाने की गुहार लगाई। संस्था में अधिकतम गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों की राशि का निवेश है। वो इसमें सभी बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। वो इसमें बहुत से लोगों के निवेश की राशि का भुगतान न होने के कारण अपना जीवन काल समाप्त करने का प्रयास भी कर चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने जीवन काल की बची जमा पूंजी का पैसा इसी संस्था में लगा दिया था, जिससे उन्हें प्रति महीना पेंशन भी मिल रही थी। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवाइजर व कर्मचारियों ने संस्था पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त कर संस्था को पूर्व की भांति सेवा और संचालन की अनुमति प्रदान करने की भी मांग रखी। बिलासपुर जिले के झंडुता में भाजपा द्वारा कारगिल शहीद दिवस के खास मौके पर शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध के हीरो व परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार ने मुख्य रूप से शिरकत की। वहीं कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के संबोधन को संजय कुमार सहित कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों की वीर नारियों ने भी सुना और पीएम मोदी के संदेश को जीवन में अमल लाने की प्रेरणा ली। जिसके बाद परमवीर चक्र सूबेदार संजय कुमार व झंडुता से विधायक जीतराम कटवाल सहित वीर नारियों ने कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों की फोटो पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं इस खास मौके पर पूर्व सैनिकों व झंडुता की जनता को संबोधित करते हुए कारगिल हीरो व परमवीर चक्र सूबेदार संजय कुमार ने जहां 1999 में हुए कारगिल युद्ध से जुड़ी अपनी यादों की जानकारी दी, तो साथ ही कारगिल के शहीदों की याद में आयोजन के लिए क्षेत्र की जनता का आभार भी जताया। इसके साथ झंडुता से बीजेपी विधायक जीतराम कटवाल ने कारगिल के शहीदों को याद करते हुए उनकी शहादत को देश प्रदेश की जनता द्वारा हमेशा याद रखने की बात कही। गौरतलब है कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल के युद्ध में भारत की जीत हुई थी, जिसमें 13वीं जैक राइफल में तैनात राइफलमैन संजय कुमार ने पॉइंट फ्लैग टॉप पर कब्जा करने वाले मुख्य सैनिकों में से एक हैं। यही नहीं, संजय कुमार ने दुश्मन पाकिस्तान सैनिकों की राइफल छीनकर उनको ही मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद कारगिल युद्ध पर विजय हासिल की। वहीं उनकी इस बहादुरी पर उन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित भी किया गया। वहीं सूबेदार संजय कुमार बिलासपुर जिला के झंडुता विधानसभा स्थित कलोल बालकिन गांव के निवासी हैं और वर्तमान में IMA देहरादून में तैनात हैं। सोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन मंडल द्वारा
कारगिल दिवस मनाया गया। इस आयोजन में खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर जहां एक और भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को याद किया गया, वहीं उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप, पवन गुप्ता, रोहित भारद्वाज विशेष रूप से उपस्थित रहे। अधिक जानकारी देते हुए खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि 1999 में भारत की सेना ने कारगिल पर विजय हासिल कर ये साबित कर दिया था कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के ही दिन हिमाचल के 52 शहीदों को भी याद किया गया जिन्होंने कारगिल पर विजय पाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। उन्होंने कहा कि मां भारती के वीर सपूत भी, जो कि भारत की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जिनकी वजह से आज हम खुली और स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, उन सपूतों को आज समूचा देश और भारतीय जनता पार्टी सत सत नमन कर रही है।